गुवाहाटी स्थित आइकन अकादमी में महिलाओं द्वारा संचालित एक पुलिस स्टेशन आपको ले चलते हैं। यहाँ कैसा माहौल है, हमारी सहयोगी सुष्मिता दत्त की ये रिपोर्ट देखिए। बिराट भल सबे इन भल्के काम करिसे बीएलओ सर यारे बा सेक्टर अफिसार सबे एरेंजमेंट बिलाकु बिराट धुनिया के करिसे आको भोटर बिलाकु सबे डिसिप्लिन मेंटेन करि पले कोविड प्रोटोकॉल मानि पले धुनिया के तेनुकर भोटतु पोल करिसे महिला सशक्तिकरण ऊपर उदाहरण है पोलिंग स्टेशन ऊपर कि कब एबार तो महिला मानने पोलिंग स्टेशन अक महिला जो थे अक ये नए कि मानने केंबा ठाई दी आम गुवाहाटी भर बहुत बहुत जगत सके आसे भितर जगह इन दिया ना महिला ठीक है भल महिला आगे लगे पुरुष समान है बारू आज अपनी भोट दी से क्या माइंड कि लगे भोट तो दाल भविष्य चिंता करी जी भाई हम भले ही मैं व्यक्तिगत कथ न তাকে চাও আমার মনত বেলেগ কিবা এটা ভাবি আছো আর চাই লো কি হয় আর আগন্তুক দিনত যোনটো গভর্নমেন্ট আহিব হেতুপা আপনি কি বিচাৰে যে কেনেকৈ কাম করিব ডেভেলপমেন্টৰ বিষয়লৈ কাম করিব মানে এডুকেশনৰ বিষয়লৈ কাম করবে হেনেকৈ কিবাটো মাইন্ডত অকল এটা দুটা সাইড হলে নহব আমি এনেকৈ এখন সরকার বিচাৰো যাতে গুটেখিনি বস্তু ভালকে নিপলে সমাজ আমাৰ যাতে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে মানে বিশ্ব দৰবাৰ যে অসমখন আছে যাতে বেয়াখিনি হোৱাকে ভালখিনি যাতে আমি দেখাব পাৰো গুটে সাইডটোৱে गुटे साइड अक साइड न और आपसे भी बातचीत करना चाहूंगी। आप पहली बार वोट दे रहे हैं? नो नो दिस इज माय सेकंड टाइम। कैसा उत्साह है, क्या मतलब एक्साइटमेंट मन में कैसा है कि पाँच साल बाद एक और बार फिर वोट डालने जा रहे हैं? बहुत एक्साइटेड हो और देखना चाहती हूँ कि क्या मतलब यू नो डेवलपमेंट होता है दैट इज और वही एक जिन उनसे भी मैंने यही सवाल पूछा, आपसे भी पूछ रही हूँ कि जो डेवलपमेंट का इश्यूज़ है या फिर मतलब किसी कैंडिडेट को अगर हम चुनेंगे तो उससे पहले क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम वोट डालेंगे या फिर आप वोट डालेंगी? मतलब देखना होगा कि पहले वो क्या क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी कितना किया है उन लोगों ने और कितना करना चाहते हैं, एंड अदर कैंडिडेट्स का भी कितना कैपेबिलिटीज़ है और वो क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स हाथ में लेके आ रहे हैं वो भी देखना ज़रूरी है, तो वही देख के वोट डाल रही हूँ। धन्यवाद। और भी कई लोग हैं उनसे भी मैं पूछना चाहूँगी। यहाँ पे जो है ये जो पोलिंग स्टेशन है ये बेसिकली डेडिकेटेड टू वुमेंस है। आप एक तरह से आप भी एक महिला है, मैं भी एक महिला हूँ, ये कितना एक्साइटिंग है? ये तो बहुत अच्छा है, एक्साइटिंग है क्योंकि जहाँ पे महिलाओं का सवाल है अभी तो वुमेन एम्प्लॉयमेंट हो रहा है तो यहाँ पे सब कुछ महिला ही कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हो जैसे कि वो हेल्थ इशू के मामले में भी महिला है और दूसरे सेक्शन में अभी तक ऐसा देखा नहीं है। हमारे इस पोलिंग सेक्शन में सब कोविड के सब प्रोटोकॉल मान रहा है, सैनिटाइज कर रहे हैं, मास्क कर रहे हैं, तो ऐसा बहुत है तो इसलिए हम एक्साइटेड है। और क्या सोच कर एक कैंडिडेट को चुनेंगे आप? कैंडिडेट वो अब डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं क्योंकि अभी तो आसाम में एम्प्लॉयमेंट का कोई ऐसा इशू नहीं है, कितना सारा निबनुआ है जो यहाँ पे ऐसे ही है, वो BAM रोज़गार की बहुत कमी है वो है, उसके अलावा छोटे छोटे प्रॉब्लम अभी भी यहाँ पे है जैसे कि वाटर सप्लाई, जैसे कि पॉल्यूशन, वहाँ पे जो GMC का साफ सफाई का मामला है बहुत है, जो क्लीन गुवाहाटी ग्रीन गुवाहाटी का जो एक मोटो है तो वो होना चाहिए, और वैसे भी और छोटा छोटा वो बहुत स्ट्रीट लाइट ऐसा बहुत कुछ है गुवाहाटी में जो डेवलप होना चाहिए, तो इसके मामले में सोचूंगी। बिल्कुल, इन्होंने जैसे बताया कि बहुत सारे जो इश्यूज़ है अभी लोगों के दिमाग में एक कैंडिडेट को चुनने से पहले जो है बहुत सारे इश्यूज़ उनके दिमाग में चल रहे हैं, और मैं आगे भी लोगों से बात करूँगी, महिलाओं से बात करूँगी। क्या सोच रहे हैं इस बार वोट डालने से पहले? कुछ अच्छा होना चाहिए देश के लिए, ये सब ही सोच के आई हूँ। और मतलब कैंडिडेट को चुनने से पहले आप एक मतलब कैंडिडेट को चुनने से पहले क्या क्या चीज़ें आप भी दिमाग में रख रही हैं? निबन और जो समस्या हो है ये सब समाधान होना चाहिए बहुत जल्द, और वाटर प्रॉब्लम ये सभी सॉल्व होना चाहिए। आपसे मैं पूछना चाहूँगी
इस बार क्या चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वोट डालने जा रहे हैं? मेनली हम लोग डेवलपमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व करने के लिए, वैसे ही मेन इश्यूज और ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ असम फॉर अ बेटर असम के लिए वोट देंगे। इसलिए पहला वोट दे रहे हैं आप, इस बार पहली बार वोट दे रहे हैं? नहीं, 2019 लोकसभा इलेक्शन में दिया था, ये मेरा विधानसभा में फर्स्ट टाइम। और क्या चाहते हैं कि अगले आने वाले 5 साल में गुवाहाटी कैसा दिखे, कैसा डेवलपमेंट हो, क्या चाहते हैं? हाँ, बट मेनली ओवरऑल वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम वो सब सॉल्व होना चाहिए, और देन ओवरऑल रोड्स और फ्लाईओवर सब का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, दैट्स इट, दैट्स ऑल। जैसे कि इस बार और भी कई मुद्दे हैं जो गवर्नमेंट्स जो है अपोजिशन गवर्नमेंट्स और इस बार जो स्टैंडिंग गवर्नमेंट्स है उनको भी वो भी लेके आए हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस बार जो कैंडिडेट्स को चुनेंगे आप, तो क्या बेसिस पे चुनेंगे? मेनली जैसे मैंने पहले कहा ओवरऑल डेवलपमेंट और एक्चुअली शुड वर्क फॉर द गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर इंटरेस्ट फॉर बेटर डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। चिंता तो मानने कि आम समस्या बिल्कुल तो बहुत एक समाधान हुआ ना, ली चाक ना, निबन समस्या ढेर हो गई तैनक पानी प्रब्लेम, वाटर सप्लाई मैं यहाँ एक समाधान ना मुठर ऊपर एनी प्रब्लेम गुवाहाटी सल हम लगे आम भल चिंता जो तखे सबे तो भल चिंता भोट दीखे जो बुझी पाए राजर समाधान समस्या के होते कि असुविधा पड़े मानु तेनक भल कम मैं भल लगे और सबे सीटे विचार समस्या जो आम सल्व है सब तो सीटे आम चिंता लिशो धन्यवाद। आपको भी पूछना चाहूँगी कि आप पहली बार वोट दे रहे हैं? नहीं, ये मेरी दूसरी टाइम है। ये जो पोलिंग स्टेशन है ये टोटली डेडिकेटेड टू वुमेन्स है, जैसा कि बताया, और वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ एक और कदम है। आप भी एक महिला हैं, क्या सोचती है इसके बारे में? ऐसे स्टेप्स लेना चाहिए जो सोसाइटी के लिए डेवलपमेंट के लिए जो ज़रूरी है, और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वुमेन सेफ्टी को मतलब ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट ने इतना कुछ किया है, बाकी देखते हैं क्या होता है। और एक कैंडिडेट को चुनने के पहले क्या दिमाग में चल रहा है? जो वो लोग मैनिफेस्टो जो प्लान करते हैं, जितने भी पार्टीज हैं, जितने भी मैनिफेस्टो है, मेरे ख्याल से जब हम कभी वोट देने जाते हैं तो पहले मैनिफेस्टो पढ़ लेना चाहिए कि कौन क्या करेगा, तो उसी कारण पढ़ के आए हैं हम लोग, तो देखते हैं अभी क्या होता है, वही सोच रहे हैं अभी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जैसा कि आप देख रहे हैं जो मतदान करने के लिए लोग आए हैं, वोटर्स का जो कहना है कि एक कैंडिडेट को चुनने से पहले जो है उनका मैनिफेस्टो जो है दोनों तरफ के, या फिर स्टैंडिंग गवर्नमेंट हो या फिर अपोजिशन के हो, दोनों का मैनिफेस्टो वो लोग दिमाग में रख के जो है मतदान करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कैमरा पर्सन मानव दास के साथ सुष्मिता दत्ता, रिपोर्टिंग फॉर नॉर्थ ईस्ट लाइव।